यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक ओर शिक्षा को बेहतर बनाने को अग्रसर है, वहीं सरकारी टीचर इस शिक्षा का मजाक बनाने को तुले हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि जहानाबाद के प्राथमिक विद्यालय जहानाबाद नंबर एक का आंखों देखा हाल। कस्बा जहानाबाद के ही निवासी और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता बताते हैं कि पूरा विद्यालय खंडर में बदल रहा है। कम बच्चों को खाना खिलाकर अपनी मर्जी से हेड टीचर विमला सक्सेना रजिस्टर में ज्यादा बच्चों का मिड डे मील चढ़ा देती है। किसी भी कमरे का दरवाजा ठीक नहीं है, जिससे जुआरी लोग आकर जुआ खेलते हैं और लोग अपने जानवर बांध देते हैं। और तो और पूरा विद्यालय परिसर गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ है। स्कूल के भवनों की हालत दयनीय हो गई है, मगर सरकारी टीचर को इससे क्या। वह तो अपनी महंगी गाड़ी से आती है और कुछ घंटे की ड्यूटी करके वापस चली जाती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान के असर को यही देखा जा सकता है। विद्यालय परिसर में अराजक तत्व कंचे खेलते हुए देखे जाते हैं। स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है, टीचर बच्चों की हाजिरी लगाती है। बच्चों की संख्या पूछने पर बताती है कि अभी गिने नहीं है। फिर उन्होंने हाजिरी किसकी लगा दी है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, रसोई की भी व्यवस्था नहीं है। कक्षा एक से कक्षा पाँच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र तीन टीचर हैं, जिसमें सहायक अध्यापक अनु देवी एक साल से CCL अवकाश पर है। और विद्यालय में मात्र दो टीचर विमला देवी इंचार्ज है और सहायक अध्यापक प्रियंका है, जिनके भरोसे विद्यालय चल रहा है। यह सब देखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा का मजाक बना दिया गया है। क्या यह विद्यालय दूसरे विद्यालयों की तरह साफ सुथरा नहीं हो सकता। जरूरत है शासन और प्रशासन की नज़र में यह विद्यालय आए। मुख्यमंत्री योगी जी का यह विद्यालय उनकी कृपा के लिए तरस रहा है। यह विद्यालय बच्चों के लिए है, ना कि जानवरों के लिए। विद्यालय को इस कगार पर पहुंचाने वाले जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और विद्यालय को साफ सुथरा कराया जाए, तब जाकर यह विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा बन सकता है। विद्यालय ये कौन से क्लास से शुरू है? एक से पाँच। बच्चे कितने आए हुए हैं? अभी हमने गिनती नहीं करी है बच्चों की। प्रेजेंट नहीं ली है? प्रेजेंट ली है, गिनती नहीं करी। तो आपने प्रेजेंट किसकी ली है? बच्चों की ली है। तो आपको ये कैसे नहीं मालूम कि बच्चे कितने आए हुए हैं? तो अभी गिनती नहीं करी, बच्चे अभी आ रहे हैं, आते रहते हैं, जो छिपारों पर पर जाते रहते हैं बच्चे। या हम क्या करें, आप लोग खुद ही नहीं कहते बच्चे क्यों नहीं काम से आते हैं, हम छिपारों पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ में कितने लोग हैं, कितने टीचर लोग हैं? तीन हैं। कौन कौन? अनु देवी है। इस समय उपस्थित कितने हैं? तीसरी मैडम कहाँ है? मेडिकल पे। क्या नाम है उनका? कब से है मेडिकल पे? इतने साल भर हो गया। भोजन बन रहा है, आज क्या बनाया है आपने? अच्छा, कितने बच्चों को बना रही है लगभग में? वो हम कुछ नहीं बताते हैं, कहते हैं जितना हम जितने बच्चे आते हैं उतने बच्चों को हम दे देते हैं। आपकी नजर में आज अगर देखा जाए तो कितने बच्चों का भोजन है? लगभग 60-65 बच्चों का बताया तुम? 60 का बताया, 60 से ज्यादा बच्चा क्योंकि चला जा रहा है। कितना है बच्चे हमसे जो कह दिया है कि जितना दें। एक बच्चे का 100 ग्राम बता। क्या होगा कि ले लेना इसका? हां तो मतलब तुम्हें तुम्हारे आइडिया कितने लोग खा लेंगे ना? हमसे जो कहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं सरकारी वाले को मुझे बताने के चक्कर मत लियो। इस चावल का वजन कितना हुआ लगभग? देख ले यार जितना भी है। दो ढाई किलो आलू होंगे, आधा किलो इसमें। विद्यालय संबंधी यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या क्या है, विद्यालय को खंडहर में तबादला कर दिया गया। यहाँ बच्चे आते हैं 20-25, मिड डे मील में लगाया जाता 150 बच्चों। बच्चे यहाँ अंटे खेलते रहते हैं, धुआं खेलते रहते हैं, मास्टर ने कोई मतलब ही नहीं। आपने इस बात की कहीं शिकायत की है? शिकायत में थाना दिवस में की। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी इधर नहीं।